हेलो, आप सभी बीएलओ साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल समग्र ज्ञान में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से बीएलओ ऐप के माध्यम से यदि किसी मतदाता का वोटर कार्ड परिचय पत्र गुम गया है तो हम किस प्रकार से बीएलओ ऐप के द्वारा बिना किसी करेक्शन के दोबारा उस परिचय पत्र को वोटर कार्ड को किस प्रकार से मंगा सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर बीएलओ ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर टच करेंगे तो कुछ इस तरह से बीएलओ ऐप ओपन होगा। यहाँ पर ऐप के द्वारा आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको वर्ली दिस टाइम के ऑप्शन पर टच करना है। फिर आपको वर्ली दिस टाइम के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से बीएलओ ऐप का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फॉर्म 8 का ऑप्शन 6वें नंबर पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। शिफ्टिंग ऑब्लिक करेक्शन ऑफ इंट्री ऑब्लिक रिप्लेसमेंट ऑब्लिक PWD। फिर इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा इंटर एप्लीकेंट इपिक इपिक नंबर। तो यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता की इपिक संख्या लिखनी है। फिर इसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेम इपिक के ऑप्शन को आपको तब सेलेक्ट करना है यदि आवेदक मतदाता स्वयं अपना ही वोटर कार्ड बिना किसी करेक्शन के मंगवाना चाहता है। अदर इपिक के ऑप्शन को आपको तब सेलेक्ट करना है यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य परिवार के किसी अन्य सदस्य का इपिक कार्ड बिना किसी करेक्शन के मंगाना चाहता है। तो हम यहाँ पर सेम इपिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टच करेंगे। जैसे ही आप सेम इपिक के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यही इपिक संख्या नीचे भी दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको नीचे फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको भाग संख्या दिखाई देगी, यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता का सीरियल नंबर दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन इस तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यदि आप आवेदक मतदाता का दूसरा वोटर कार्ड मंगवाना चाहते हैं। तो चलें हम तीसरे नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टच करेंगे। फिर इसके बाद आपको नीचे फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है, सीधे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको उसकी इपिक संख्या दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको नीचे आधार डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक मतदाता के द्वारा फॉर्मेट के साथ आपको आधार नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आवेदक मतदाता के द्वारा फॉर्म 8 के साथ आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो आपको इस दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हम यहां पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे आधार नंबर वाले ऑप्शन में यहां पर आपको आवेदक मतदाता का आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिख लेने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक मतदाता के द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आप सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम आवेदक मतदाता का मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद फिर आपको नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक मतदाता के द्वारा स्वयं का ईमेल आईडी उपलब्ध कराया गया है तो आप सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य की ईमेल आईडी उपलब्ध कराई गई है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आवेदक के द्वारा कोई ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं कराई गई है तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करेंगे। यदि उपलब्ध कराई गई है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर के ऑप्शन पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन। फिर आपको नीचे तीन कारण दिखाई देंगे,
लॉस्ट, यदि वोटर कार्ड गुम गया है तो आपको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि वोटर कार्ड किसी प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मल्टीलेटेड की स्थिति में आपको तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हम यहां पर लॉस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड FIR / पुलिस रिपोर्ट फॉर लॉस्ट EPIC। तो यहां पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर टच करके FIR की कॉपी को अपलोड करना है। तो चलें हम यहां पर टच कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। एक फ़ोटो, यदि आप मोबाइल के कैमरे से FIR की कॉपी को फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। चूज फ्रॉम गैलरी, यदि FIR की कॉपी आपके मोबाइल की गैलरी में है तो आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज PDF फ्रॉम गैलरी, यदि FIR की कॉपी PDF के रूप में आपके मोबाइल पर है तो आप तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर टेक फोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर टच करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फ़ोटो खींचने के लिए आपको नीचे वाइट सर्कल पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको टच करना है। फिर इसके बाद फ़ोटो को जूम करके कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको कॉर्नर में एक सही का निशान दिखाई देगा, यहां पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से FIR की कॉपी अपलोड हो जाएगी। यदि कॉपी सही तरीके से अपलोड नहीं हुई है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर टच करके दोबारा से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहां पर आपको डेट और स्थान का नाम दिखाई देगा, यहां पर आपको कोई काम नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप फॉर्म 8 के प्रीव्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके समस्त जानकारियों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की फॉर्म 8 भरते समय आपसे त्रुटि हो गई है तो आप कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर टच करके अभी उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही BLO ऐप में आपको एक और सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आप EPIC के ऑप्शन पर टच करके उस आवेदक मतदाता का EPIC कार्ड भी देख सकते हैं। तो चलें हम EPIC के ऑप्शन पर टच करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको आवेदक मतदाता का EPIC कार्ड दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, डू यू वांट टू प्रोसीड टू सबमिट दिस फॉर्म। तो आपको यस के ऑप्शन पर टच करना है। तो फिर से आपको एक पॉपअप मैसेज प्राप्त होगा, फॉर्म 8 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे एक रेफरेंस आईडी दिखाई देगी। इस रेफरेंस आईडी को आपको आवेदक मतदाता के फॉर्म 8 के ऊपर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप येलो ऐप की होम पेज पर आ जाएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आपको BLO ऐप के माध्यम से किसी मतदाता का दूसरा वोटर कार्ड बिना किसी करेक्शन के आप किस प्रकार से मंगा सकते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी BLO साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।